राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग। आजकल आज संडे है, इसलिए मैं इसलिए देर आई से थोड़ा रात में देर से सोई, फिर सुबह देर से उठू। अब मैं उठ के पानी पीऊंगी एक गिलास, थोड़ा फ्रेश होंगी, मैं किचन की तरफ जाऊंगी। लेकिन मेरा बेटा आज जल्दी उठ गया था, तो वो कैसा टीवी देखने लगा जाते हैं खन, क्योंकि आज संडे था, छुट्टी थी। मैं किचन में गई, मैंने एक गिलास पानी पिया, फिर मैं अपने नहाने के लिए तैयारी करने लगी। नहाने के बाद फिर मुझे पूजा भी करनी थी, फिर मैं नहा के निकली। लगातार लगने मैंने से अपने नहा के लगातार पूजा रजिस्ट्री पाठ की अपनी कहाँ तैयारी की, तुम्हारा पूजा वाला करने के बाद, क्योंकि नाश्ता भी बनाना था मुझे। फिर मैंने पूजा की भगवान की, बड़े श्रद्धा प्रेम भाव से। देखो मेरा मंदिर कैसा लगा आप लोगों के लिए, मेरा मंदिर देखिए अच्छा लग रहा ना। मेरे लड्डू गोपाल देखिए, लड्डू गोपाल भी हैं, सभी भगवान हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं सभी भगवान। फिर मैंने पूजा की, भगवान की आरती की सच्चे मन से। बस भगवान जैसे हम पे कृपा बनाए, भगवान सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे, जैसे कृपा हम पे करे भगवान, सबकी तब इच्छा पूरी करे भगवान, फिर बाद में हमारी भी इच्छा पूरी कर दे। बस यही कामना है, किसी को कोई कष्ट ना हो, सब अच्छे से रहें, यही है बस। फिर मैंने सोचा फिर घंटी बजाई, भगवान को घंटी बजाना भी जरूरी होता है। देखिए मेरे लड्डू गोपाल पास से देखिए, अच्छे लग रहे हैं ना मेरे लड्डू गोपाल, सुंदर लग रहे हैं ना लड्डू गोपाल मेरे प्यारे से, देवी माँ की मूर्ति। फिर किचन में गए, भगवान के इसमें हार्ट की समस्या, तो उन्होंने लौकी का जूस दिया निकाल के, तो उसकी लौकी बनी निकली, तो उसका हमने रायता बनाने के लिए उबाल लिया। फिर हस्बैंड के लिए दलिया बना बताया है, जौ का दलिया, तो हमने जौ का दलिया बना के रखा नाश्ते की तैयारी में। तो लौकी की जो शक्कर निकली उसकी हमने सब्जी बना ली अपने लिए। मुझे तो अच्छी लगती है, आप लोग बताइए अच्छी लगती कि नहीं लगती। फिर दूध फटाफट वाला, बेटे के लिए आलू के पराठे चाहिए थे, उसे आलू को पराठे आलू उबलने रखे, रायता बनाया, सब्जी बन के तैयार हो गई मेरी सब। देखिए दलिया भी बन गया, आलू की शक्कर भी बन गए, रायता भी बन गया है, सभी चीज बन गई है। देखिए देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, प्यारे लग रहे हैं सब, मन कर रहा खाने का। फिर ये आलू का भरता बनाया हमने, क्योंकि उसे बेटे को पराठा चाहिए था आलू का, फिर आटा लगाया हम आलू पराठे से लिए। बार बार माँ तब परेशान कर रहा था, मम्मा भूख लग रही है, भूख लग रही है, फिर हमने आलू को उसे पराठा, लेकिन उसे पराठा ऐसे नहीं चाहिए आलू, मत कहते मम्मा आप आलू पराठा बनाती हो, पता नहीं चलता मुझे आलू अंदर दिखने चाहिए ज्यादा से। तो फिर बहुत ज्यादा से आलू भर के उसे पराठा बनाया हमने, कि बेटा खा पराठा, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, तो संडे वाले दिन कुछ आलू का पराठा है या सैंडविच है, मतलब तो कुछ कोई चीज एक चाहिए होती उसे, हर दिन नहीं लेकिन संडे वाले दिन उसे चाहिए चाहिए है खाने के लिए। या फिर जैसे मैगी बना दो, या पास्ता बनाओ, माइक्रोनी है, कोई चीज भी एक, मतलब एक चीज होनी चाहिए। लेकिन बच्चे मानते नहीं है, नुकसान तो बहुत देती है, लेकिन बच्चे मानते कहाँ है। तो इतनी देर में कई बार आके देख गया, मम्मा बना नहीं पराठा, बना नहीं पराठा, उनका बेटा बन रहा पराठा, काम बहुत हो जाता है सुबह के टाइम पे। अब बच्चों को तो इस बात का एहसास होता नहीं है, उन्होंने तो जो बात मुंह से निकली तुरंत ही चाहिए फिर पराठा। हमने कहा बेटा आ जाओ सब सेक रहे हैं, गर्मा गर्म खा ले आके पराठा। पराठा सेखा हमने उसके लिए, हमने कहा खाओ। हस्बैंड के लिए सब उसके उधर की तैयारी की, उनका वैसा नाश्ता बनता है ना हार्ट की वजह से, तो उन्हें सब वैसा दिया जाता है, उल्ला ज्यादा छौंक का तेल वाला नहीं दिया जाता है, तो उनका अलग तैयार किया। अब बच्चे की फरमाइश की आलू के पराठे भी, तो बच्चे के लिए आलू का पराठा हमने तैयार किया। देखिए देख के मन कर रहा है ना, मुंह में पानी आ रहा है ना आलू का पराठा देख के, मेरा भी मन कर रहा है खाने का। लेकिन तला वाला जरा बचते है ना खाते, इसमें हमारी भी खूब अच्छे से डाइटिंग हो जाती है। हस्बैंड के लिए जब बनाते हैं तो वही हम भी खा लेते हैं, इस बहाने हमका हमारा भी परहेज हो रहा है बस। तो ये बच्चे के लिए आप देख रहे हैं बना रहे हैं आलू पराठा, तो मन तो अपना भी कर रहा है कि ज्यादा नहीं एक तो हम भी खा ही लें पराठा। तो एक पराठा हमने अपने लिए भी बनाया, उसमें हमने कहा मन कर रहा है ये खाने में कुछ नहीं है। देखिए हमारे खा बन के हमारा नाश्ता तैयार है, आपको कमेंट करके बताइए इसके लिए कैसा अच्छी लगी, किसके लिए अच्छी लगी, कैसी लगी मेरी सब्जी बनी हुई। पराठा रायता, लौकी का रायता है, दलिया है जौ का, टेस्टी लग रहा है ना देखने में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
और पहली बार मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, कोई गलती हो माफ कर।